यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सियाराम। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मास की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और महाशिवरात्रि का प्रत्येक क्षण शिवमय होता है, शक्तिमय होता है। हम अपनी समस्त समस्या बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, वैसे तो महाशिवरात्रि का पूरा दिन शिवमय होता है और कभी भी हम शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, परंतु रात्र में शिव उपासना का विशेष महत्व है। तभी तो महाशिवरात्रि में रात्रि और इसका महत्व रात्रि में ज़्यादा है। सामान्यतः हम सब प्रातः उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं और भगवान शिव की पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, जो कि अच्छी बात है, परंतु विशेष लाभ के लिए शिव जी की पूजा पाठ अभिषेक रात्र में अवश्य करना चाहिए। रात्र में चार पहर की बात करें, रात्र के जो चार पहर होते हैं, जो कि संध्या काल से लेकर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक होता है, और इन चार पहर में हर पहर का अपना विशेष विशेष महत्व है और उसके अपने अपने नियम हैं, और इन नियम का पालन करते हुए अगर हम शिव आराधना पूजा पाठ अभिषेक करें तो यकीन मानिए ये चार पहर हमारे जीवन को चार पदार्थ प्राप्त करा देंगे। और वो चार पदार्थ हैं क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम सब इन्हीं चार उद्देश्य को जीवन में प्राप्त करते हैं और यह हम इच्छा भी रखते हैं। तो यहाँ हम रात्र के चार पहर, जो कि सायंकाल 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक रहती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला पहर सायं 6 से लेकर के 9 बजे तक, दूसरा पहर रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे, और तीसरा पहर रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे, और चौथा पहर भोर 3 बजे से लेकर के 6 बजे प्रातः तक। इन चारों पहर में शिव पूजन से क्या क्या मिलता है और किस नियम के द्वारा शिव पूजन करना चाहिए, एक एक करके हम आपसे चर्चा करते हैं। तो पहला पहर सायंकाल 6 बजे से 9 बजे रात्रि, और इस पहर में प्रदोष काल भी शामिल होता है, अतः यह पहर अत्यधिक महत्व का हो जाता है। इस पहर में शिव आराधना करने से समस्त दोषों का नाश होता है और हमें धर्म की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम इस पहर में भोलेनाथ को दूध अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात एक पतली जल की धारा द्वारा शिव जी को अभिषेक कराना चाहिए, और इस समय शिव मंत्र या शिव स्तुत करने से अत्यधिक लाभ होता है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव और अनेक प्रकार की शिव स्तुत है, जिनमें से रुद्राष्टक भी है। नमामि शमीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस पहर में जो पहला पहर है, इसमें प्रदोष काल भी शामिल है, इससे हमें धर्म की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पहर की, जिसकी अवधि रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक। मेरे श्रोता भाई बहन, आपसे निवेदन है, इस पूरे वीडियो को अवश्य देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। दूसरे पहर में शिव जी की पूजा करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है,
समृद्धि संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दूसरे पहर में शंकर जी को शिवलिंग पर थोड़ी सी दही चढ़ाएं, उसके पश्चात पतली सी जलधार दिया जाए और इस समय शिव मंत्र का जप अति आवश्यक है। शिव शिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम बात करेंगे तीसरे पहर में शिव पूजन कैसे किया जाए और उससे क्या प्राप्त होता है। तीसरा पहर जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हर कोई भी अगर वो चारों पहर में शिव जी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इस पहर में शिव पूजन अवश्य कीजिए, यानी रात्रि 12 से लेकर के 3 बजे तक। सामान्यता भी इस पहर में पूजा करने पर, ध्यान करने से, ईश्वर की भक्ति करने से सबसे ज़्यादा ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इस पहर में शिवलिंग पर गाय के दूध से बने घी शंकर जी को अर्पित करें एवं जल की पतली धार से अभिषेक करें और शिव स्तुति भी करें। ऐसे जातक जिनको शिव जी का ध्यान करते हैं या शिव जी का ध्यान करने का अभ्यास होता है वो इस तीसरे पहर में शिव जी का ध्यान करें, अत्यधिक लाभ होगा। और मैं एक बार पुनः अपनी बात को दोहराऊं, अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के कारण या किसी भी व्यस्तता के कारण, तो आप तीसरे पहर में शिव पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पहले पहर की पूजा करने से धर्म, दूसरे पहर की पूजा करने से अर्थ और तीसरे पहर की पूजा करने से समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। चौथा पहर ब्रह्म बेला, यानी प्रातः भोर 3 बजे से लेकर के 6 बजे, ये वो पहर है, ये अवधि है। इस अवधि में अगर हम शिव आराधना, पूजा पाठ या समान दिनों में भी ईश्वर की आराधना करें तो हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा मिलता है। इस पहर में, यानी चौथे पहर में, शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद लगाएं या चढ़ाएं, उसके उपरांत पतली जलधारा से अभिषेक करें, शिव मंत्र या शिव स्तुति या दोनों करें यथाशक्ति, समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह चारों पहर में अलग अलग नियम के द्वारा शिव पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक विशेष चीज, चारों पहर में जितना भी हम समय हमें मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, पूजन के पश्चात कपूर द्वारा आरती अवश्य कीजिएगा। और फिर एक बार हम अपनी बात को दोहराते हैं कि यदि आप चारों पहर की पूजा ना कर पा रहे हो, अगर संभव हो तो 10-15 मिनट अवश्य करें चारों पहर। फिर भी अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो तीसरे पहर की पूजा यानी रात्रि 12 से 3 बजे तक अवश्य शिव पूजन करें, समस्त मनोकामनाएं निश्चित पूरी होगी। पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की अनेक अनेक बधाई। नित्य पंचांग एवं साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।